ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को सिंगोल भेंट किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिनम की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रसिद्ध मठ के संतों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी संतों को संबोधित भी करेंगे, लेकिन सिंगोल लेते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कल नए संसद भवन में सिंगोल की स्थापना होगी, उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद के उद्घाटन समारोह में अधिनम भी शामिल होंगे, जिनकी ओर से ये सिंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सिंगोल, जिसको लेकर खूब सियासत भी हुई, लेकिन कल जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जानकारी साझा की गई थी कि इसे स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा, उसी सिंगोल की तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, जिसे अधिनम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और संतों के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को आप देख भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि संतों को के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। कल नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही सिंगोल की स्थापना भी होगी। तो ये बेहद खास तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिनम की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्हें तिलक भी लगाया गया और उसके बाद चेहरे पर मुस्कान। और इस दौरान वो तस्वीरें भी नजर आई जिस सिंगोल की खूब चर्चा की गई, जो अब तक इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था, अब वो संसद की नई बिल्डिंग में नजर आएगा। और उसी सिंगोल को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देख रहे हैं। तो सिंगोल स्थापना से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संतों का आशीर्वाद लिया, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें। कल नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, खुद प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और उस दौरान ये सिंगोल एक बार फिर से आपके सामने होगा, आपको नजर आएगा, क्योंकि इसे स्पीकर की कुर्सी के पास ही स्थापित किया जाना है। अधिनम की ओर से पीएम मोदी को सिंगुल सौंपा गया है और उसी की तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि कल नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी है। 7:30 बजे से तमाम कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर संतों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है और वही सिंगोल आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में, किस तरीके से अधिनम की ओर से ये सिंगोल प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है और इसी सिंगोल की कल स्थापना की जाएगी स्पीकर की कुर्सी के ठीक पास। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी थी और बताया था कि किस तरीके से अब तक यह इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था, लेकिन अब इसे नए संसद भवन में देखा जा सकेगा। तो संतों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की ये बेहद खास तस्वीरें आपके सामने। कल सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हवन पूजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर मौजूद रहेंगे और जैसा कि बताया जा रहा है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी इसमें शरीक होंगे। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो भी बेहद खास, इसमें तमाम संतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी और संतों से प्रधानमंत्री मोदी ने कल उद्घाटन से पहले आज ही आशीर्वाद लिया। संतों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें
बेहद खास जो आप तक टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा रहा है। कल दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कल ही नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और उसमें आप इसी सेंगोल को स्थापित होते हुए भी देखेंगे। सेंगोल को लेकर जिस तरीके से सियासत हुई खूब हंगामा भी मचा, लेकिन अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्वीकार किया है। अधिनियम की ओर से ये सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है और संतों के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की ये सीधी तस्वीरें।